किसी भी एफपीओ मेला में जाने से पहले हमें शिपिंग मेथड लगाना है ताकि कस्टमर को उस पिन कोड में कोई भी डिलीवरी चार्जेस ना लगे। तो उसके लिए हम माई स्टोर पर लॉग इन करेंगे और लॉग इन करने के लिए सबसे पहले हम अपने आईडी पासवर्ड डाल के और लॉग इन करेंगे। और लॉग इन करने के बाद हम देख सकते हैं इस तरीके का हमारा इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस के बाद हम सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद शिपिंग मेथड में जाएंगे और शिपिंग मेथड में आपको एक ब्लू कलर का ऑप्शन दिखेगा। इस ब्लू कलर के ऑप्शन पे ऐड न्यू पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ नेम नेम में आप एफपीओ मेला डाल देंगे, एफपीओ मेला। और इसी के साथ आप ब्रैकेट में डेट भी डाल सकते हैं, जैसे अगर कोई इवेंट 1 से 3 मार्च तक है तो आप ये डाल सकते हैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए, ताकि आपको याद रहे। और आप इसको डाले बिना भी डाल सकते हैं, आप सिर्फ एफपीओ मेला भी लिख सकते हैं तो भी चलेगा। दूसरा हमें अपडेट यहाँ पे करना है प्राइस, हमें 0 रखना है क्योंकि हम नहीं चाहते कि कस्टमर को कोई भी शिपिंग प्राइस लगे। उसके बाद टैट में हम 1 डे डाल देंगे और यहाँ पे हम एक अपना मेथड बनाएंगे। यहाँ मेन पॉइंट है तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऐड अप्लाई वेन पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम जिप कोड सेलेक्ट करेंगे। जिप कोड यानी वहाँ का पिन कोड जहाँ पे हम चाहते हैं कि शिपिंग प्राइस यानी डिलीवरी चार्जेस ना लगे। इस पे हम इक्वल सेलेक्ट करेंगे और मेरे केस में अगर मैं सेलर हूँ तो मेरा जो पिन कोड है, और यहाँ अगर इवेंट हो रहा है तो मैं यहाँ का पिन कोड डालूंगा तो वो है 201301, ठीक है। तो जहाँ पे इवेंट हो रहा है वहाँ का आप पिन कोड सेलेक्ट करोगे। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक कर दोगे। अभी आपका एक शिपिंग मेथड बन गया। अगर कोई भी कस्टमर इस पिन कोड पे आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है तो आप उस कस्टमर को कोई भी शिपिंग चार्जेस डिलीवरी चार्जेस नहीं लगेंगे। इसके लिए आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दोगे। ये आपका शिपिंग मेथड बन गया।